इस वक्त हम आए हैं सीआईआर जी ने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भी बकरा ही है और देखने में ये दूसरे बकरों के मुकाबले रंग रूप में बिल्कुल अलग है। कद काठी में ठीक है, ये किसी से मैच कर सकता है, लेकिन रंग रूप में 37 नस्ल के बकरी इस देश में है, लेकिन ये सबसे अलग एक नस्ल है। जमुनापारी, तोतापरी का नाम आपने सुना है और कुछ दिनों बाद अब आप नाम सुनेंगे सोनपरी। जी हाँ, ये सोनपरी नस्ल है जिस पर सीआईआरजी में पिछले 3 साल से काम चल रहा है और जल्द ही एक अच्छी खुशखबरी ये मिलेगी कि ये नस्ल भी रजिस्टर्ड हो जाएगी 37 दूसरी नस्लों के साथ। ये किसानों को ध्यान में रखते हुए, खास तौर से उन किसानों को जहां पर जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, खेती आप अच्छे से कर नहीं सकते, आपकी इनकम का दूसरा रिसोर्स नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए सीआईआरजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर चेतना गंगवार ने इसको तैयार किया है। ये अब पूरी तरह से तैयार है। इसको खास तौर पर मीट के लिए पसंद किया जाता है। इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो दूध देने में थोड़ा सा मतलब पीछे हैं, दूध बहुत कम है, लेकिन मीट इनका बहुत महंगा बिकता है। डॉक्टर चेतना गंगवार ने हमें बताया कि अगर कोई दूसरी बकरे का मीट 400 रुपए है तो लोग इसका 600 रुपए तक खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी इसके मीट की डिमांड है। तो इसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चेतना गंगवार। जैसे ये बकरे आप देख रहे हैं, इनका जो शारीरिक बनावट है, इनके जो शरीर का कलर है, वो अन्य बकरे और बकरियों से बिल्कुल भिन्न है। ये नस्ल जो है वो मुख्य रूप से सोनभद्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वाराणसी, मिर्जापुर इन जिलों में पाई जाती है। हमारा जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है इस नस्ल के ऊपर कार्य कर रहा है, इस नस्ल के संरक्षण एवं इसको नया नाम देने का पूरा प्रयास कर रहा है, जिसके लिए हमने 3 वर्ष से इसके डाटा कलेक्शन पे पूरा कार्य किया है, क्षेत्र में जा जा के भ्रमण किया है, इसके विभिन्न प्रकार के मॉर्फोमेट्रिक डाटा, प्रोडक्शन डाटा को कलेक्ट किया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो किसान वहां के सोनभद्र के हैं, जो इसे मुख्यतः पालते हैं, जिनके द्वारा इस नस्ल को विकसित किया गया है, उनका हमने संपूर्ण संकलन, सूची का संकलन किया है और हमने इस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट बनाकर NPAGR जो कि गोट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथराइज्ड है इंडिया में, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। ये कौन सी नस्ल है? इस नस्ल को हम, क्योंकि ये सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती है, तो हमने इस नस्ल का नाम सोनपरी नस्ल रखा है। क्या किन्हीं दो नस्ल के मिक्स करके एक ये नई ब्रीड तैयार की गई है, कुछ ऐसा है? बिल्कुल सही आपने पहचाना, क्योंकि झारखंड और जो सोनभद्र का एरिया है वहाँ पर पहले ब्लैक बंगाल बकरियाँ ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, क्योंकि ब्लैक बंगाल का जो माइग्रेशन है वो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से होते हुए वहाँ तक पहुँचा। साथ ही साथ में विगत 50 वर्ष पूर्व एक बेरारी नस्ल की बकरी हुआ करती है, उसको वहाँ पर किसानों के वितरण के लिए लाया गया, पशुपालन विभाग द्वारा वो बकरियाँ वितरित की गई, तो वहाँ की जनजातियों ने बेरारी और ब्लैक बंगाल नस्ल को क्रॉस कराकर ये नस्ल विकसित की है और ये नस्ल बहुत ही अच्छी है, या हम कह सकते हैं इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है। ये वहाँ के पहाड़ी जलवायु में, पथरीली जलवायु में रहने के लिए बहुत सक्षम है और इसकी खूबी है कि ये एक बार में 2, 3, 4 बच्चे तक देती है। चार बच्चे देने का कितना एवरेज होगा इसका? इसका 4 बच्चे देने का एवरेज हम कह सकते हैं कि 22% तक, लगभग 22% वो 4 बच्चे, 20% भी मान ले तो मतलब 20% चार बच्चे और 88% बकरियां जो हैं 80 से 88% तो 2 बच्चे देते ही देती हैं। इनकी अगर पहचान की बात करें, अगर कोई इनको खरीदने जाता है और तो इसकी कैसे पहचान कर सकता है कि हम असली सोनपरी खरीद रहे हैं? हाँ, इसको हम विशेष इनके शारीरिक बनावट के आधार से पहचान सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका आकार मध्यम टाइप का है और इनके जो शरीर का रंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है। इनके गले के चारों ओर काले बाल पाए जाते हैं और जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, उस पर भी आखिर तक काले बाल पाए जाते हैं। इनके पैर और पूंछ काले से भूरे रंग के होते हैं और इनके सींग जो हैं वो बाहर की तरफ नुकीले पैने होते हैं।
इनका पालन डॉक्टर चेतना जो मीट के लिए है या दूध के लिए? ये बकरियां मीट के लिए बहुत अच्छी हैं। इन लोगों ने हमें बताया कि वहाँ के लोगों ने कि इनकी मीट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनके जो जनक हैं वो ब्लैक बंगाल कहे जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक बंगाल का मीट इंडिया में सबसे अच्छा माना गया है। तो लोगों ने कहा कि इनकी मीट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लोग इसका मीट अदर बकरियों की तुलना में 200 रुपए किलो अधिक पैसे देकर अधिक दाम देकर खरीदते हैं। अगर वेट की बात करें, जैसे कि मीट के लिए तो बकरा जो है वो वेट के हिसाब से ही बिकता है, उसी हिसाब से रेट मिलते हैं, तो इनका मेल फीमेल का कितना वेट अडल्ट होने पर हो जाता है? हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बकरियां मध्यम से छोटे आकार की बकरियां हैं, तो इसका जो वयस्क बकरे हैं एक साल से डेढ़ साल का बकरा, उसका वजन लगभग 24 से 28 किलो 28 किलो तक जाता है। जैसा बीटल का रहता है? नहीं, बीटल तो बहुत बड़ी नस्ल है। बीटल जो नस्ल है वो बड़ी नस्ल में आती है, उसका वजन 45 किलो के पार जाता है। ओके। और इनका वजन 24 से 28 किलो के मध्य आता है। अगर दूध की बात करें तो? दूध की बात करते हैं तो इसमें दूध उत्पादकता काफी कम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ब्लैक बंगाल से जनित बकरी है, तो ब्लैक बंगाल में जिस तरह से दूध की मात्रा कम पाई जाती है, वैसे ही इनकी मादाओं के अंदर दूध की उत्पादन क्षमता कम है। लेकिन मीट क्वालिटी बहुत अच्छी है, कम समय में ही एनिमल व्यस्क हो जाते हैं, कम समय में ही व्यस्क भार ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा लंबे समय तक इनको रखने की आवश्यकता नहीं होती कि हम डेढ़ दो साल रखें तब ये व्यस्क होंगे, तब इनका जनन कराया जाए, तब इनसे बच्चे लें। आप 6 से 7 महीने में जो बकरियां हैं वो प्यूबर्टी पे आ जाती हैं, साल भर के अंदर ही गाभिन हो जाती हैं और 1.5 साल के अंदर ही बच्चे भी दे देती हैं, तो काफी जल्दी इनकी प्रोलिफिकेसी बढ़ती है। एक बकरी से 4 बकरी होने में मात्र 1.5 साल का समय हम कह सकते हैं कि लगता है। जैसा आपने बताया कि ये सोनभद्र, मिर्जापुर, ये आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ ज्यादा पाली जाती है, तो जो इसका नेचर है तो उस हिसाब से इसका पालन और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस तरह के वातावरण में इसको पाला जा सकता है? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत अधिक कृषि वानिकी नहीं हो रही है, कृषि प्रक्षेत्र नहीं है, जहाँ बहुत उपयुक्त चारे हम बोकर नहीं उगा सकते, जो ऐसी जमीनें हैं जो पहाड़ी हैं, थोड़ी पठारी हैं, जहाँ जंगल प्रचुर मात्रा में है, जहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इनको हम उनकी ट्री लॉपिंग पे या बहुत आराम से पाल सकते हैं। विशेष प्रकार का चारा उगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सभी जगह जहाँ पे समतल स्थान नहीं है, पठारी और जंगली क्षेत्र हैं, उन जगह हम छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सोनभद्र में, मिर्जापुर की टोपोग्राफी आपने देखी और सुनी ही होगी, तो ऐसे क्षेत्रों में इन बकरियों को बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। यही कारण है कि सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे क्षेत्रों में इन बकरियों का आजीविका के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो लोग ट्राइबल होते हुए भी इनको बहुत ही भली भांति से 120, 100, 60, 90 इतनी संख्या में प्रचुर मात्रा में पाल रहे हैं। तो डॉक्टर चेतना, क्या उम्मीद की जा सकती है, कब तक ये ब्रीड जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी? अभी हमने इसके रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो NBAGR में अगस्त के फर्स्ट वीक में सबमिट कर दिया है। अब उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 2-3 रिव्यू मीटिंग होती है, फील्ड की विजिट होती है कि वाकई ये बकरी में विशेष गुण है या नहीं है। इन सब चरणों के संपूर्ण होने के बाद ही इस ब्रीड का रजिस्ट्रेशन हो पाना संभव है। तो देखा दर्शकों, आपने सोनपरी के बारे में जो डॉक्टर चेतना गंवार ने हमें बताया कि इस बकरी की डिमांड इतनी है, इसके मीट की डिमांड इतनी है कि घूम आगे दाम मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, जहां पर खेती नहीं होती है वो इसको पालकर एक साल भर में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात जो उन्होंने बताई वो ये कि ये इस नस्ल की बकरी 4 बच्चे तक देती है। 4 बच्चे देने का जो रेशियो उन्होंने बताया वो 20 से 22% है अभी, हालांकि इस पर और काम चल रहा है, शायद वो आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन 20-22% तक ये 4 बच्चे देती है, जो कि बहुत ही कम बकरियों में देखने को मिलता है। अगर ऐसा है तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।